What does the grass say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 15 जुलाई 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:32 हो रहे हैं। कल हमने देखा निफ्टी इंडेक्स में एक ज़बरदस्त करेक्शन, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। तो एक बढ़त के बाद एक करेक्शन आना लाजमी होता है। जो ग्लोबल मार्केट्स है वहाँ पर भी कोरोना वायरस का जो बढ़ते केसेस है उसका प्रेशर देखने को मिल रहा था। मिडल ईस्ट में भी थोड़ा सा टेंशन चल रहा है, इराक और लीबिया में फिर से अटैक्स हो रहे हैं। जो ये पैंडेमिक सिचुएशन है उसमें भी कोई इस तरह से लाभ उठाने को देखता है, जो कमज़ोर है उसे और दबाने की कोशिश होती है और इस मौके का फ़ायदा उठाने की भी कोशिश होती है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में कल हमें चिंता देखने को मिली थी और इंडियन मार्केट्स में भी करीब 200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली थी। तो आज क्या निफ्टी में ये कंटिन्यू होगा या फिर कहाँ पर सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक होगा, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 14 जुलाई आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो जैसे कि ये 5 मिनट का चार्ट आप देख रहे हैं, निफ्टी इंडेक्स कल गैप डाउन ओपन हुआ, जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल के नीचे फर्स्ट टारगेट था इसी के पास ही ऑलमोस्ट ओपन हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग, जो हमने प्री मार्केट प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। लेकिन जो लाइव मार्केट में एनालिसिस करते हैं, कम्प्लीटली वन साइड ट्रेंड था। करीब करीब 1:30 बजे तक लोअर हाइज लोअर लो बन के ये चल रहा था। जैसे ही लोअर लोस चल रहा ब्रेक हो रहे थे तो यहाँ पर ट्रेडिंग करने का मौका था। ये देखिए यहाँ पर क्लियरली वन वे डायरेक्शन में चल रहा था और जैसे ही लोअर लोस को ये ब्रेक कर रहा था तो यहाँ पर ट्रेडिंग का मौका था। तो लेकिन जो हमारा प्री मार्केट कल प्लान था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं बन रही थी। तो ये था कल के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते हैं। सबसे पहले कल अमेरिकी बाजार फिर से एक बार शानदार तेजी के साथ बंद हुआ है। नासडैक करीब 97 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स में मिला जुला कारोबार देखने को मिला और आज जब एशियाई बाजार ओपन हो चुके हैं तो फिर से एक बार हरे निशान में लगभग सभी मार्केट ट्रेड कर रहे हैं। एसजीएक्स निफ्टी 76 पॉइंट के बढ़त के साथ इस समय ट्रेड कर रहे हैं। डाउ फ्यूचर को देखें तो 273 पॉइंट की बढ़त दिखा रहा है। तो इस समय ग्लोबल मार्केट से तो पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं कल के एक ज़बरदस्त करेक्शन के बाद। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। वीकली चार्ट में जैसे कि हमने यहाँ पर फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था तो यहाँ पर इसका और एक लेवल को ऐड कर देते हैं 76.4। तो ये जो लेवल है एग्जैक्ट ये 50 EMA, यानी ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पर एग्जैक्ट ये लेवल आ रहा था, इसी के पास इसने कल सपोर्ट लिया। ये वीकली चार्ट है, ये कैंडल अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इस वीक में सिर्फ 2 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, 3 ट्रेडिंग सेशंस बाकी है। तो क्या है अभी ये फिर से एक बार 10,600 को ब्रेक करेगा? अगर ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ फिर से एक बार ये 20 EMA, यानी ये 10,200 के पास हमें सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि ग्लोबल मार्केट्स देख रहे हैं, यहाँ पर फिर से एक बार ये सपोर्ट टेस्ट करके, जो हमने कल बात की थी 100 EMA या फिर 50 EMA, कोई ये स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक सपोर्ट जोन बन रहा है, तो इसको सपोर्ट लेके फिर से ये बाउंस बैक हो सकता है। तो यहाँ पर अभी जो अप ट्रेंड चल रहा है उसमें हर एक अपसाइड मूव के बाद एक करेक्शन आना लाजमी है। अगर ये ऊपर बढ़ता है तो हमने जैसे मंथली चार्ट में देखा था, ये मंथली चार्ट है निफ्टी इंडेक्स का, यहाँ पर ये जो 20 EMA है यहाँ पर देख सकते हैं आप, अभी ये मंथ कैंडल कंप्लीट नहीं हुआ है, ये मंथ शुरू है। तो 20 EMA लगभग अभी 10,750 के पास है, तो इस लेवल के पास ये पेनेट्रेट कर सकता है। काफ़ी तकलीफ हो सकती है 20 EMA को पार करना। इसके ऊपर अगर ये क्लोज देता है कम्फर्टेबली तो और चांसेस बढ़ जाएंगे कि निफ्टी इंडेक्स फिर से यहाँ से तेज़ी में कन्वर्ट हो। तो ये था डेली और वीकली चार्ट का सीनारियो। चलते हैं वीकली और मंथली चार्ट का सीनारियो, चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी हमने जो डेली चार्ट में स्विंग हाई लो बन रहा था लास्ट, उसको पकड़ के हमने ये फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल को ड्रॉ किया था। तो अभी कल एग्जैक्ट इसने यहाँ पर 38.2% का ये जो लेवल आ रहा था, ये लेवल इसी के पास इसने फिर से एक बार सपोर्ट टेस्ट किया। अभी जो कि ये नीचे आ रहा था तो कल यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल अगर आप ड्रॉ करते थे,
इस तरह से, तो इसका एग्जैक्ट 23.6% का लेवल भी उसी के पास आ रहा है। तो एग्जैक्ट यहाँ पर इसने सपोर्ट टेस्ट किया है। तो अभी अगर आप RSI और प्राइस एक्शन को कन्वर्ट करें तो यहाँ पर हमें साफ देखने को मिलता है कि ऊपर प्राइस एक्शन में हायर हाइज बन रहे थे, नए हाइज लग रहे थे प्राइस एक्शन में, और नीचे RSI में देखे तो ये देखिए लोअर हाइज बन रहे थे। तो यहाँ पर ये क्लियर डाइवर्जेंस दिखाई दे रहा था। तो इसके बाद जैसे ये नेक लाइन को इसने ब्रेक किया, हमें और भी यहाँ से ज़बरदस्त फॉल देखने को मिला। तो ये होता है RSI डाइवर्जेंस, जो हमें पहले इंडिकेट करता है कि पॉसिबल है यहाँ पर एक करेक्शन आ सकता है, एक डाउनवर्ड मूव आ सकती है। तो अभी ये सपोर्ट लेवल के पास है 10,575, इसको ब्रेक करता है तो एज़ पर डेली चार्ट ये 20 EMA जो है ये 10,477 के पास आ रहा है। यहाँ पर हो सकता है नेक्स्ट सपोर्ट, लेकिन जैसे कि अभी ग्लोबल मार्केट्स को देख रहे हैं, यहाँ से अगर बाउंस बैक होता है तो ऊपर फिर से ये 10,900 के पास एक हर्डल फेस कर सकता है, जहाँ पर हमने मंथली चार्ट में 20 EMA को देखा था। तो हो सकता है इस रेंज में ये ट्रेड हो। तो ये था डेली, वीकली और मंथली चार्ट का सीनारियो। तो इस लेवल के ऊपर अगर ये क्लोज होता है तो ही यहाँ से अपसाइड मूव हमें कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकती है। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। निफ्टी इंडेक्स अगर कल के लो को कंफर्टेबली ब्रेक करता है, अगर नीचे चला जाता है तो पहले तो 100 EMA का सपोर्ट होगा, उसके बाद कल का जो लो बना है उसका सपोर्ट होगा। अगर इसको कंफर्टेबली ये ब्रेक करता है, आप देख सकते हैं यहाँ से ये जस्ट ये 10,550 के पास ये सपोर्ट लेके बाउंस बैक हुआ है। तो कंफर्टेबली इस लेवल को अगर ब्रेक करता है 10,562, तभी हम इसको शॉर्ट पोजीशन के लिए काम कर सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,541, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,528, जो कि पिवट पॉइंट का S1 का लेवल है, ये हमारा सेकंड टारगेट होगा। और अगर ये टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ बढ़ता है तो काफ़ी ये दिक्कत भरा हो सकता है यहाँ पर ट्रेड करना, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं। एक गैप क्रिएट हुआ था यहाँ पर कुछ दिनों पहले, ये कल फील हो चुका है। तो अगर ये जो गैप है इसके ऊपर अगर ये सस्टेन करता है, यानी कल का ये जो 1 बजे के बाद लगभग 12 बजे के बाद एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिला था, तो उसका जो अपर बैंड बन रहा है ये अराउंड 10,649 के पास बन रहा है। इसको राउंड फिगर कर देते 10,651 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो ये इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 10,676, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 10,697, जो कि ये आर्ली चार्ट में 50 EMA है उस लेवल के पास आ रहा है, इसके लिए हमारा ये सेकेंड टारगेट होगा। अगर एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है तो वेट करें, ये जो पिवट पॉइंट R1 का लेवल है और मूविंग एवरेजेस है आर्ली चार्ट में, उसके ऊपर सस्टेन होने दीजिए, तभी आप इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं। तो ये आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग। ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोदा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सकें। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में।